लुक एट दिस, आज बनाना मजे का सूप। और अब पूरी सर्दियां आपने मुझे इस सूप, इस तरह का सूप बनाकर देना है। ठीक है। नहीं जी, मेरी बेटी रेडी है कराटे के लिए और वो अपनी एक्सरसाइज कर रही है। आए जी, आए बेगम साहब, टंडी पीछे करो, टंडी पीछे करो अपनी। जी हम अभी जा रहे हैं ग्रॉसरी करने के लिए और आज हमारा प्रोग्राम है कि पहले हिबा को छोड़ेंगे हम दादू के घर और उसके बाद फिर हम लोग कराटे के लिए। कराटे के लिए कलरफुल भी ले ले, कलरफुल भी ले। हाँ तो कलरफुल भी ले ले, दूसरे भी ले ले। गुलाब जामुन भी देखो, गर्म गर्मी हो गई, नहीं बनना, नहीं बनाना। नहीं बन तो जाए। हाँ तो गुलाब जामुन रखो ना। और क्या है, खीर शीर भी, खीर गर्मियों में आती है। अच्छा थैंक यू यार, थैंक यू। कर दी फॉलोवर्स बढ़ने। गाइस आपको एक ना बड़ी काम की चीज़ बताता हूँ, जब भी आप टूथपेस्ट लेने के लिए जाए ना तो टूथपेस्ट को निकालें। टूथपेस्ट के हर टूथपेस्ट की बैक साइड पर ना ये कलर्स होंगे, या ब्लू होगा, या ब्लैक होगा, या ग्रीन कलर होगा। आपने सबसे पहले जो चीज़ देखनी है, अगर तो ब्लू का, ब्लैक का मतलब ये है कि ये टोटली केमिकल है, इसके अंदर कोई भी चीज़ इंग्रेडिएंट जो है वो नहीं है। ब्लू का मतलब है कि इसमें मिक्स है कुछ इंग्रेडिएंट्स नेचुरल और कुछ जो है वो है। और जो ग्रीन होगा उसका मतलब है कि ये टोटली जो है वो हर्बल है, इसके अंदर जो है ना वो नहीं। अब ये भी ब्लू है और ये थोड़ा सा लाइट ब्लू है, मतलब इसमें ग्रीन के अंदर जो है वो बहुत कम टूथपेस्ट आती है। ये आपको टूथपेस्ट चेक करने का सबसे बेहतर, रेड वाला, वो रेड के नाम से से। चले देख लेते हैं जी, ये भी, हाँ ये ग्रीन। अब ये जो सी टूथपेस्ट है ये बेहतरीन, और ये टूथपेस्ट के अंदर केमिकल की मिक्सिंग नहीं है। तो आप जब भी टूथपेस्ट लें अपने लिए, बच्चों के लिए, कोशिश करें कि ग्रीन जो सा वो होनी चाहिए। जो भी है दे देंगे। ले जी गाइस, इस सीजन का विंटर का पहला सूप मैं तैयार करने लगा हूं अपनी बेगम की मशावरत के साथ। उसकी वजह मैं चाहता था कि वो बनाए ताकि सारा सीजन मैं उसके हाथ से सूप पीऊं, लेकिन उसने कहा जी आप बनाएं। अब देखते हैं कि सूप दोनों के दरमियान में कैसा बनता है। ले जी, यहां पे हमने 150 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है और उसको हम इस तरीके से बाउल में डाल देंगे। यहां पे हमने 3 कलियां जो सी हैं वो हमने लहसुन की ली हैं, और इसके साथ 3 सब्ज़ मिर्चें ली हैं, और एक छोटा सा टुकड़ा जो सा है वो हमने प्याज का ले लिया है। यहाँ पे हमने 10 से 12 काली मिर्चें ली हैं, और एक चम्मच जो सा है वो हमने नमक लिया है। यहाँ पे हमने 1.5 लीटर पानी लिया है और इस पानी को हम उसके अंदर जो सा है ना वो उंडेल देंगे, और इसको अब हम 10 से 15 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे। ये मेरे बेटे ने अभी, हाँ ये स्वीट पोटैटोज़ अभी हम लेकर आए थे, और मेरे बेटे ने जो है वो स्वीट पोटैटोज़ को जो है वो ओवन में तैयार किया है। अब इंशाल्लाह इसके ऊपर हम मसाला सला डाल के खाएंगे। मैं यहाँ पर यखनी बन रही है, उतनी देर में यहाँ पर हम अलग से जो है चिकन अपना रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने बोनलेस चिकन ले लिया, ये थाइस्ट का चिकन है और ये तकरीबन 100 ग्राम चिकन है, और इसके इस तरीके से छोटे छोटे से हमने पीसेस में इसको काट लिया है। अब इसको हमने मैरिनेट करना है, तो इसके यहाँ पर मैंने 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करने लगी हूँ। 1/2 टीस्पून इसके अंदर मैं नमक ऐड करूँगी, और 1 टेबलस्पून भरकर इसके अंदर मैं कॉर्नफ्लोर ऐड कर रही हूँ, और अच्छे से जो है हमने इसको मिक्स कर देना है।
पता नहीं मुझसे ना स्पैचुला से सही मिक्स नहीं होता है जब तक अपने हाथ ना लगे। असल में शेफ शेफ ही होता है, ये तुम्हें मैंने बताया ना, ये जब तक अच्छी तरह, असल में ये जब तक हाथ का अंदर से वो इंग्रेडिएंट्स नहीं तैयार होते ना उस वक्त तक मिक्सर। थोड़ा सा ना इसके अंदर मैं ऑयल ऐड करने लगी हूँ, तकरीबन ये एक टी स्पून के करीब मैंने इसके अंदर ऑयल डाला है और अब इसको हमने अच्छे से जो है ना मिक्स कर देना है। तो यहाँ पर हमने एक फ्राइंग पैन ले लिया है और इसके अंदर हम एक टेबलस्पून भरकर जो है ऑयल का ऐड करेंगे। साथ ही इसके अंदर मैं ये चिकन ऐड कर रही हूँ जिसे अभी मैरिनेट किया था और इसको जो है हमने अच्छे से फ्राई करना है। इस टाइम ये आपको चिपका हुआ लग रहा है लेकिन ये आपस में एक दूसरे के साथ दूर हो जाएगा, अलग हो जाएगा, इसलिए इसको आपने घबराना नहीं है। तो यहाँ पर देखिए जो चिकन है हमारा बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गया है और अब हमने इस चिकन को जो है हल्का सा गला लेना है, तो इसलिए यहाँ पर मैं बिल्कुल थोड़ा सा जो है पानी ऐड कर रही हूँ। ये तकरीबन 1/3 कप के करीब पानी है और अब इसको जो है कवर करके हमने तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर रख देना है ताकि जो ये चिकन है ये भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो जी यहाँ पर देखिए जो हमारी चिकन यखनी है वो भी हो चुकी है तैयार और इसमें से जो अब चिकन है इसको हमने सेपरेट कर देना है, अलग प्लेट में निकाल लेंगे और इसकी जो ये यखनी है इसको हम अलग बाउल में छान लेंगे क्योंकि हमने इसके अंदर जो ये इंग्रेडिएंट्स डाले हैं इनको जो है हमने इसके अंदर शामिल नहीं करना है, हमें सिर्फ इसकी यखनी चाहिए। तो यहाँ देखें यखनी हमने निकाल ली है और अब हम वापस इसको इसी के अंदर डाल देंगे और चिकन को श्रेड कर लेंगे। इसके अंदर मैं थोड़ा सा तकरीबन 1 ग्लास के करीब पानी और ऐड कर रही हूँ, अपनी क्वांटिटी के हिसाब से आप पानी इसके अंदर रखिएगा। कवर उठाएंगे इसका, तो यहाँ पर देखें 8 से 10 मिनट के अंदर जो हमारा चिकन है वो हो गया बिल्कुल तैयार और ये चिकन है ये अच्छे से गल चुका है। इस टाइम पर फ्लेम को हमने ऑफ कर देना है और इसको हमने अलग निकाल कर साइड पर रख देना है, बस इसको हमने ना सीके से श्रेड कर लेना है। हाँ जी हमारा जो यखनी है वो तैयार हो चुकी है, अब हम इसके अंदर एक चिकन कनौर क्यूब लेंगे, ये इसके अंदर हम डालेंगे। अगर आपके पास ना हो तो आप इसके बगैर भी बना सकते हैं और इसको फिर हम थोड़ा सा ला लेंगे ताकि ये डिजॉल्व हो जाए। ले जी अब इसके बाद इसमें हमने अभी जो श्रेड किया हुआ चिकन है वो इसमें ऐड करेंगे हम। यहाँ पे हमने 2 टेबलस्पून जो उनसे है ना वो कॉर्न ली हुई है बॉइल्ड की हुई, ये हम इसके अंदर डाल देंगे। इसके बाद हमने यहाँ पे 2 टेबलस्पून ही गाजर और 2 टेबलस्पून ही जो उनसे वो शिमला मिर्च चॉप की हुई ली है और ये भी हम इसी तरीके से इसके अंदर डाल देंगे। यहाँ पे हमने 2 अंडे लिए हैं विद योक और उनको हमने हल्का सा जो उनसे है वो शेक कर लेना है और उसके बाद हमने इसको ऐसे तार की तरह इसी तरह तार की तरह हमने ऐड करना है और कुछ सेकंड्स के बाद जिस टाइम ये एग जोन्स हैं वो इसमें हो जाए तो हमने इसको हिलाना शुरू कर देना। 30 सेकंड्स के बाद आपने इसके अंदर से चमचा हिलाना शुरू करना है ताकि एग जोन्स है वो अच्छे तरीके से उसमें पक जाए। ले जी यहाँ पे मैंने 4 से 5 कॉर्नफ्लोर के जो उनसे वो चम्मच डाले हैं इसमें और उसके साथ मैंने 1/2 ग्लास जो उनसे वो पानी लिया और इसके अंदर मैं इसको अच्छी तरीके से मिक्स करूँगा। इसको आपने इस तरीके से मिक्स करना है कि इसकी गुठलियाँ ना बने, अगर इसके अंदर थोड़े से भी कोई चीज़ रह गई या इसको मोटा रह गया तो ये फिर जो उनसे है ना वो सूप के अंदर मज़ा नहीं देगा। ले जी कॉर्नफ्लोर जो उनसा वो हमारा अच्छे तरीके से मिक्सअप हो गया। एक एहतियात इसमें ये करनी है कि जब आपने कॉर्नफ्लोर जो उनसे है वो आपने इसके अंदर डालना है तो उसके साथ साथ आपने चमचा जो उनसे है वो मुसलसल चलाते जाना है और ताकि इसके अंदर जो उनसे है ना वो किसी भी किस्म का क्रम्स ना बने या कोई ऐसी चीज़ ना गुठलियाँ ऐसी ना बन जाए और इसको अच्छे तरीके से आपने हिलाते रहना है चमचे को। ये देखें जी इसको मैंने ना अच्छे तरीके से पकाया, जब आपने कॉर्नफ्लोर डालना है ना तो इसके फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर लेना है और इसके अंदर जब कॉर्नफ्लोर डालना है उसके बाद मुसलसल इसके जो उनसे चमचा आपने हिलाते रहना है और इसको 2 से 3 मिनट तक पकाया और उसके बाद आप ये देखें इसकी शेप ये कितना थिक सा हो गया ये इसकी। अब मैंने 3 टेबलस्पून सोया सॉस लिया, इसको हम इसके अंदर ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून मैंने चिली सॉस लिए
वो ऐड करेंगे। इसके साथ एक टेबल स्पून जो है वो मैंने सफ़ेद सिरका लिया है। ये सॉसेज हमने यहीं इसी के अंदर ऐड कर दी हैं पकाते वक्त ही, और इसको अब हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। ये जो चिकन हमने पहले फ्राई किया था इसको हमने सेपरेट रख लिया था, इसको अब हमने सबसे लास्ट में इसके अंदर डाल देना है और इसको अच्छे तरीके से मिक्सअप कर देना है। सबसे लास्ट में हमने इसके अंदर जो है ना वो हाफ टी स्पून के करीब जो है वो फ्रेश ब्लैक पेपर जो है वो हमने इसके अंदर ऐड कर देनी है। ये देखें जी हमारा बेहतरीन सा सूप रेडी है सर्व के लिए। अभी हम इसको सर्व करेंगे और इसको मज़े ले लेके पियेंगे। So elegant, so beautiful, looking like a wow. Thank you for watching our video. इसको आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बताइएगा नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या बनाऊँ।